दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉय पे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं टॉप 5 सेंटर जिसमें अदर सेंटर वालों का चांस बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि टॉप 5 सेंटर जिसमें अदर सेंटर वालों का बिल्कुल चांस नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। ऐसे तो वीडियो बहुत सारे बने हैं, मैंने बनाए भी है कि टॉप 5 सेंटर जो चांस है, लेकिन इस बार मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिसमें चांस बिल्कुल नहीं है। इसमें जाके अपना फालतू का टाइम पास मत करिए। तो मैं आपको बताऊँगा पूरा कौन कौन से वो सेंटर्स हैं जिसमें आपको नहीं जाना चाहिए, जो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन टॉप 5 सेंटर इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो भी बने रहे, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो तभी लाइक कीजिए, नहीं तो ना डिसलाइक कर दीजिए। तो दोस्तों पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, पहला सेंटर है आपका बिहार रेजिमेंट आपका सेंटर है दानापुर में, बिहार में। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि बिहार रेजिमेंट में आपका बिल्कुल चांस नहीं है, ये कन्फर्म लिख के ले लीजिए। अदर वालों का चांस नहीं है, और होगा भी तो फादर वाले होंगे, ब्रदर वालों को तो बिल्कुल नहीं होगा। जिसका होगा मेरे को सब कमेंट में बताएंगे कि जिसका चांस किसी का हुआ है अदर वालों का बिहार रेजिमेंट में। तो पहले नंबर पे आपका गया बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर के, और ये अपने सेंटर को पहले दौड़ाता है, इतने अभी याद रखे गए हों तो आप भर्ती देखने, अपना सेंटर को दौड़ाएगा उसके बाद अदर सेंटर को दौड़ाता है, और जो बच्चे कुचे हैं उसको बाद में दौड़ाएगा। पहले ही अपने जो वैकेंसी है अपने सेंटर का भरेगा, अपने बच्चों को जो अपने सेंटर वाले हैं उसके बाद ही अदर को लेगा। तो दूसरा आपका हो गया राजपूत रेजिमेंट, इसमें तो आपको पता ही होगा इसका सेंटर फतेहगढ़ में है, ये भी इधर भी अदर सेंटर का नो चांस। अगर जिसका भी हुआ है ना वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए ये फतेहगढ़ का हो गया राजपूत रेजिमेंट। तीसरा हो गया आपका फर्स्ट STC जबलपुर, सिग्नल का ट्रेनिंग सेंटर है ये जो कि जबलपुर में है इसकी, इसमें भी नो चांस है, बिल्कुल चांस नहीं है अदर वालों का। तो फिर हो गया आपका असम रेजिमेंट, इसका सेंटर आपके हो गया शिलोंग में। तो दोस्तों बता दूँ कि असम रेजिमेंट में आपका चांस बिल्कुल नहीं है, और बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा बस। और पांचवा आपका हो गया MIRC मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, ये आपका हो गया सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में, MIRC। इधर भी अपने सेंटर वालों को पहले लेता है, उसके बाद अदर का तो बच्चे कुछ है वो भी फादर वाले है। ये मैं आपको बता दूं कि जो 5 सेंटर मैंने बताए हैं इसमें बिल्कुल चांस नहीं है। आप अगर मान, मैं ये नहीं बोल रहा कि मत जाइए, आप जाइए ज़रूर, लेकिन देखिए अगर आगे पीछे कोई भी इसके भर्ती आ रही है इस सेंटर लोग के, मतलब आगे पीछे कोई और सेंटर में भर्ती आ रही है तो उसमें आप जाइएगा ना कि इसमें जाइएगा, क्योंकि इसमें आपका दौड़ निकालने के बाद भी चांस नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये लोग अपने सेंटर को पहले लेता है। तो मैं आपको बता दूँ, शुरू से बता दूँ, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो पहला आपका हो गया बिहार रेजिमेंट दानापुर, जो कि बिहार में इसका सेंटर है दानापुर में। दूसरा हो गया राजपूत रेजिमेंट, इसका सेंटर फतेहगढ़ में है। और तीसरा हो गया फर्स्ट STC जबलपुर, इसका भी सेंटर इसका सेंटर जबलपुर में है, ट्रेनिंग सेंटर ये है। इसका एक और सेंटर है फर्स्ट STC का जो कि गोवा में है। और ये चौथा हो गया आपका असम रेजिमेंट जो कि शिलोंग में है। पांचवा हो गया MIRC, इसका सेंटर अहमदनगर में है। और एक पास्ट मैंने बता दिया टॉप 5 सेंटर जिसमें आपको रॉस्ट सेंटर्स जिसमें आपको जाना नहीं चाहिए, फालतू का टाइम पास नहीं करना चाहिए। इन सेंटरों के जाने के दूसरों सेंटर में आप जाइए। और मैं आपको बता देता हूँ लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका हो गया महार रेजिमेंट, इसमें भी आपका चांस है ही नहीं अदर वालों का। तो दोस्तों ये बता रहा हूँ, ये सब सेंटर में बस वही बच्चे जाए जिसका रिलेशन इसी सेंटर का है, उनका भर्ती कन्फर्म है रनिंग के बाद कन्फर्म है। अगर आपको रिटर्न बढ़िया देते तो आपकी भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अदर वालों को मैं बात कर रहा हूँ, अदर वालों को बिल्कुल चांस नहीं है। और ये कहीं ना कहीं भेदभाव ये हो गया है इसमें, क्योंकि ये सेंटर लोग अपने सेंटर में सेंटर के बच्चों को पहले दौड़ाते हैं, अदर को बाद में दौड़ाते हैं, ये थोड़ा बेकार चीज़ हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब बच्चे की ये अगर ऐसा करने लगे तो सब तो पूरा बट जाएगा इधर से उधर, इसलिए इस वीडियो को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत काम है जो ये कर रहे हैं सेंटर वाले।
कुछ सेंटर है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि बिहार रेजिमेंट सेंटर हो गया, ये तो सबसे मैं क्या बोलूँ मैं, इसमें इतना वो चलता है ना, अब छोड़ो बाद में बात करें।